क्या नाम है आपका? रीमन मित्तल। कहाँ से आते हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद में कहाँ से? मुरादनगर। में कहाँ से? मुरादनगर। मैं मुरादनगर से। ठीक है, जब आए थे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी? क्रिटिनाइन ही था, वीकनेस थी, अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, पहले कितना था क्रिटिनाइन? 5.4 तक पहुंच गया था। 5 तक पहुंच गया था, ठीक है। अभी कितना हो गया? 3.2। टेस्ट कहाँ से कराया आपने? लाल, डॉक्टर लाल से। डॉक्टर लाल अपने वहीं से कराए? हाँ, गाजियाबाद से। तो कितना टाइम हो गया आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए हुए? 3 महीने। फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। और यूरिया? यूरिया भी काफी डाउन, 115 था, अभी 70 आ गया। 70 आ गया, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। परहेज वगैरह कर रहे हैं पूरी? हाँ, ठीक है। ये रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से टेस्ट कराए हैं। इनका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो इनका क्रिएटिनिन जो था लगभग 5 के आसपास था। उसके बाद इनका क्रिएटिनिन इट केम डाउन टू 3.89 आया। इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ से टेस्ट कराया है। और यूरिया जो इनका था पहले वो 120-130 की रेंज में था, और अब जो इनका है लेटेस्ट 3.89। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्होंने बताया, एक कंपैरेटिव रिप्रेजेंटेशन दिए डेट वाइज डॉक्टर लाल पैथ लैब की। और इन्होंने अब लेटेस्ट टेस्ट कराया है 10 फरवरी 2018, डॉक्टर लाल पैथ लैब की ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अंदर इनका जो क्रिएटिनिन है वो आ गया है 3.18 क्रिएटिनिन है। और यूरिया जो हो गया है वो हो गया 71 यूरिया हो गया। यूरिक एसिड ऑल्सो केम डाउन टू 6.5, अर्लियर इट वॉज ऑल्सो हाई। सो ओवरऑल वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इज देयर, वेरी गुड रिजल्ट इज देयर। दिस कंसिडरिंग द फैक्ट दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, अर्लियर इट वॉज इंक्रीजिंग, स्टेडली इंक्रीजिंग द क्रिएटिनिन लेवल्स इन एवरीथिंग। नाउ creatinine level has not increased, and secondly it has came down right from the 5 levels of 5, it has came down to about 3.